समाधि लेने से पहले मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे, मुस्कुराना तो खाली थोड़ी सी स्माइल पास करने को बोलते हैं। बड़े बड़े गड़ाके मारा रहे, हट्टहास कर रहे थे। फूल प्यारे में बैठे बैठे नीचे से एक दो उनके प्यारों ने कहा, महाराज जी बड़े सोने लगा लिया। महाराज जी ने क्या बोला आगे से जानते हैं? महाराज जी ने कहा, बंधुओं जब दिया बुझने पे आता है तो ज्यादा चमक छोड़ता है। फूल प्यारे की गल, मैं डोगरी चाखा मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मारे ने आख्या कि जिले दिया बुझने पर आंदा ना बोले मतियां लाटा छड़दा। कुसा ने आख्या कि बड़े सोहने लगा। मौत का क्या डर है, नत्था सिंह सैकड़ों बार मर के देखा है। पर ये भावना कहां आएगी जब तुम सत्संग में बैठे रहोगे। सत्संग से बाहर जाओ कोई तुम्हें कह दे कि तू 4 महीने तक बचेगा, बंधु वो चक्कर चल जाएगा, टेंशन नहीं है। पर धन्य है महापुरुष वो हर समय सत्संग में रहते हैं। वो भरी भीड़ में भरी बजम में भी होंगे तब भी उनके अंदर सत्संग चलता रहता है, इसलिए वो कह पाते हैं, मोरे मन आनंद कब मरहूं कब पाऊंगी पूरन परमानंद। महाराज जी बहुत बार कहते थे कि सजनों सो दावड़े दा जो बेची ते या चूर पूर रेदा बस ए भी फंडी फंडी हो निकल दियो ना। हम समझ नहीं पाए, बेहद रमजा दसदा नी मेरा ढोलन माही, पर हम रमज पहचान नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। उन्होंने कई बार कहा कि मैं ते नाई हां, स्नेहा देना आया था, स्नेहा ओढ़िया देई हूं मैं अपने घर चंगा तो सपने चंगे, इसका क्या मतलब है। और उन्होंने कई बार ये भी कहा कि बंधुओं उन्हें गड्डी पुरानी है, ये भी अपने शरीर को वो गाड़ी कहते थे, ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है, अब मेरी इच्छा है कि इस गाड़ी को गैराज में लगा दिया जाए और नई गाड़ी लेकर आए। हम समझ नहीं पाए। तो अमर कौन है जिसको आदमी भुला ना पाए, जिसका स्पर्श याद आए तो बंदा रोमांच हो जाए। आहा, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो हर दिन नया लगे पुराना ना हो वो अमर है। सदगुरु कभी पुराना नहीं होता। सूरज रोज चढ़ता है, कभी पुराना लगा कि यार कल्ला ला ठीक है आज ने कुछ दिया, कभी ऐसा हुआ? वैसे ही सदगुरु है, कभी पुराना नहीं होता, रोज नया, रोज नए रस को लेकर प्रस्तुत होता है, रोज नई चर्चा को लेकर प्रस्तुत होगा। उसके मुख से वही चर्चा सुनोगे पर नहीं लगे।